हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इग्नू के रिलीज़ हो गए हैं और मैंने पूरे प्रोसेस के ऊपर वीडियो बना दी है, किस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, क्या सारी एग्ज़ाम फॉर्म की क्वेरीज हैं, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। बट स्टिल देर आर सम प्रॉब्लम जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, जो इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यार, ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म किन किन बच्चों को भरना है। देखिए, अब आप कमेंट सेक्शन में ये लिखोगे सर मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, तो बात कोर्स की है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पहले ये भी समझना है कि आपका सेशन क्या है। जब आप कमेंट सेक्शन में ये लिखते हो कि सर मेरा ये कोर्स है, क्या मेरे भी एग्ज़ाम होंगे, तो मुझे ना तो आपका ये पता है कि आपका सेशन कौन सा है, और ना तो मुझे ये पता है कि आपका री रजिस्ट्रेशन है, नया एडमिशन है, क्या है। इसलिए मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आप कम्प्लीटली उस वीडियो को देखिए। अब इग्नू के अंदर 300 प्रोग्राम है, अब हर वीडियो के अंदर मैं 300 प्रोग्राम के नाम तो गिनाने नहीं बैठ जाऊँगा कि इसका एग्ज़ाम इस दिन होगा, इसका एग्ज़ाम अब होगा। तो इसलिए आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखें, समझें, आपको खुद ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दिसंबर 2024 में कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले बारी आती है उन बच्चों की जिसको जून 2024 में एग्ज़ाम देने थे बट उसने दिए नहीं, तो वो बच्चा दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देगा। सिमिलरली, अगर आपने जून 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं और आप उसमें फ़ेल हो गए हो, तो आप दिसंबर 2024 में उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप दिसंबर में नहीं देना चाहते, बाद में देना चाहते हो, तो वो अलग बात है, लेकिन मैं यह बात कर रहा हूँ कि कौन कौन दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया। उसके अलावा जिस बच्चे ने जनवरी 2024 सेशन में या तो नया एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन लिया है, नया एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन, तो वो बच्चा भी दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देगा। अब वो कोई भी प्रोग्राम हो, BA, MA, MCOM, जनवरी 2024, ये डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आपने जुलाई 2024 सेशन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, जुलाई 2024 सेशन में किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में नया एडमिशन लिया है, तो आप दिसंबर 2024 में उसका पेपर दोगे। या आपने जुलाई 2024 सेशन में किसी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में नया एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करा है, तो आप दिसंबर 2024 में उसके पेपर दोगे। इग्नू के अंदर मैक्सिमम कोर्सेज 90% से ज़्यादा कोर्सेज एनुअल मोड में चलते हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे प्रोग्राम हैं UG या PG लेवल पर जो सेमेस्टर वाइज चलते हैं, जैसे MCOM, MBA, BCA, MCA। ठीक है, तो जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है उनका अगर आपने एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2024 में करा है, तो आपको दिसंबर 2024 में उसके जो एग्ज़ाम हैं वो देने होंगे। और अगर किसी एनुअल बेस में आपने एडमिशन लिया है जुलाई 24 में, तो उसके एग्ज़ाम अभी आपको नहीं देने। ये आई होप ये सब आपका क्लियर हो गया कि भाई कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए, कौन नहीं। अब एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर कुछ बच्चों के प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, डाउट्स भी आ रहे हैं, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यार ABC ID की। देखिए, ABC ID का क्या इशू है, अगर आपकी ABC ID बनी हुई है, अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करी थी, इग्नू से PG कर रहे हो, वहाँ पर आपने ABC ID बनाई थी, तो इग्नू में दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अगर आपकी ABC ID बनी हुई है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म में वहाँ पर यस करके ABC ID मैनुअली लिख दोगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी ABC ID नहीं बनी हुई तो क्या करेंगी। तो इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ABC ID खुद से बना लो, बनाने के बाद फॉर्म के अंदर एंटर कर दो, बनाने में 5 मिनट लग रहे हैं, एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे वहाँ पूछेगा कि आपकी ABC ID बनी हुई है, तो उसे आप नो कर दो। उसको आप नो कर दोगे, देन वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका आधार के अंदर क्या नाम है और आधार से कौन सा फ़ोन नंबर लिंक है, वो दोनों चीज़ें आप वहाँ लिख दो। अब आधार के अंदर अगर आपका नाम गलत है, तो वो गलत वाला नाम ही फिलहाल वहाँ लिखो, ये क्राइटेरिया है। अच्छा सर, मैंने ABC ID नहीं बनाई, अगर मैंने नो लिखकर अपना आधार वाला नाम और नंबर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बनाकर अगर खुद से वहाँ पर ABC ID लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वहाँ पर अपनी डिटेल्स लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ABC ID का मसला आई थिंक रिजॉल्व हो जाना चाहिए, इतना इसमें प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट मत कीजिए। इसके अलावा जो ये एग्ज़ाम फॉर्म है दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जितना जल्दी आप इस फॉर्म को भरोगे, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो सेंटर आपने चूज़ करा है फॉर्म में, वही सेंटर आपको अलॉट हो।
समझ गए। अगर आप फॉर्म भरने में देरी करोगे तो हो सकता है भाई आप जो सेंटर चूज करना चाहते हो उसका ऑप्शन ही ना आए, या अगर ऑप्शन आए तो वहाँ पर दिखा दे कि भाई सीट फुलफिल हो गई है, ये पॉसिबिलिटीज़ भी बन सकती हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म यार देखो एग्ज़ाम देने ही हैं, तो जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले भी, मैं ये बात कहता आ रहा हूँ, ये जो एग्ज़ाम्स हैं इग्नू के, ये आप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एडमिशन स्टेट, यानी कि अगर आपका दिल्ली के रीजनल सेंटर में एडमिशन है तो ज़रूरी नहीं है दिल्ली में ही एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है, आप दिल्ली के बाहर का भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो एज़ पर योर अवेलेबिलिटी। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर कुछ बच्चे टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं। देखो सबसे पहला इशू ये हो सकता है, जब आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के प्रोसीड कर रहे हो तो वहाँ लिखा आता है नो रिकॉर्ड फॉर्म, ये प्रॉब्लम हो गई। या दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका सब कुछ लॉगिन हो रहा है, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला जो स्टेप है, इस वाले स्टेप में सब्जेक्ट सारे नहीं आ रहे हैं। मतलब आपके फॉर एग्जांपल 6 सब्जेक्ट हैं अगर, तो वहाँ पर 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, 4 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, इवन एक बच्चे ने कमेंट किया था उसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट शो हो रहा है। तो ये जो दो तरह की प्रॉब्लम मैंने गिनवाई, यानी कि एक तो नो रिकॉर्ड फॉर्म वाली और सब्जेक्ट पार्शली शो हो रहे हैं, कम्प्लीटली सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, इन दोनों ही प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग एक बार ईमेल डाल दो इग्नू को, ठीक है। वैसे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी 3-4 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपनी तरफ से एक बार ईमेल डाल दो तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यार मेक श्योर, मैं दोबारा से ये चीज़ रिपीट करता हूँ, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर नो रिकॉर्ड फॉर्म आ रहा है, भाई मेक श्योर कि आप दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने के लिए एक्चुअल में एलिजिबल भी हो या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जुलाई 2024 सेशन में किसी एनुअल बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया और आप फॉर्म भरने जा रहे हो और कह रहे हो नो रिकॉर्ड फॉर्म, भाई उन चीज़ों को चेक करना पहले, उसके बाद अपनी क्वेरी मेल बॉक्स में डालना, ठीक है। कहीं आप परेशान होते रहो बिना किसी रीज़न तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों देखो, असाइनमेंट जो है वो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद सबमिट करो, पहले सबमिट करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप एग्ज़ाम फॉर्म पहले भी भर सकते हो। उसमें एक ऑप्शन डिफ़ॉल्ट में रहेगा कि हैव यू सबमिटेड असाइनमेंट, तो उसे येस करके ही आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक। और इस एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, बिना किसी लेट फीस के साथ। 15 अक्टूबर के बाद 1100 रुपये आपकी लेट फीस सीधा सीधा लगेगी, इस चीज़ को ध्यान में रखो। और फ़ी आपको पता ही है, 200 रुपये पर सब्जेक्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो 300 रुपये फ़ी होगी, अगर 4 क्रेडिट्स तक का है वो प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल, और 500 रुपये पर उसकी फ़ी होगी अगर वो 4 से ज़्यादा क्रेडिट्स का है, ठीक है। तो वो तो आप जब फॉर्म भरोगे तो सब कुछ सेलेक्ट करना ऑप्शन ध्यान से, सारे सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मैं मिस्टेक की बात कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म भर दिया एग्ज़ाम फॉर्म, आपने उसमें सारे सब्जेक्ट नहीं चूज़ करे, मान लेते हैं आपके 10 सब्जेक्ट थे, जैसे एग्जांपल आपने सिर्फ 8 सब्जेक्ट चूज़ करके फॉर्म को भर दिया, फीस भी भर दी, अब क्या होगा जी। अब भाई इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, और उन दोबारा जब आप फॉर्म भरोगे सारे सब्जेक्ट आपको, तो दो सब्जेक्ट का आप दोबारा जब फॉर्म भरोगे, सारे नहीं सॉरी, दो सब्जेक्ट का जब आप दोबारा फॉर्म भरोगे तो उन दो सब्जेक्ट का जो सेंटर आप चूज़ करोगे वही सेंटर आपका मर्ज होकर आएगा। यानी कि अगर एग्ज़ाम फॉर्म आप दो बार भरते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो दूसरी बार में आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ जो आपका सेंटर अलॉट होगा उस फॉर्म के लिए, वही सेंटर आपका मर्ज होकर आएगा, आपके दो अलग अलग एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। इस टॉपिक को मैं डिटेल में भी कहीं डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम में, अभी शायद ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है। बट इसके अलावा दोस्तों कुछ और ग्लिचेस हो सकते हैं फॉर्म के अंदर, फीस पेमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज इनिशियली 24 घंटे तक तो या 48 घंटे तक तो दिक्कत रहती है। तो सिंपल से क्लियर कट चीज़ है, आप फॉर्म भरने जाओगे अगर वेबसाइट लोड ले रही है पेमेंट के बाद, एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था हमारे नोन में है, तो उनका जब वो OTP डाल के प्रोसीड कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो पेज ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है पेमेंट वगैरह की, तो वेट कर सकते हैं आप, उस टाइम के बाद ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मेक श्योर कि आपका डेबिट कार्ड या जिस भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हो वो मोड एक्टिव हो, उसमें कोई भी ब्लॉकेज ना हो, ठीक। और जब आप पेमेंट कर देते हो, पेमेंट कट हो जाती है, तो पता कैसे चलेगा कि हाँ हमारा फॉर्म सक्सेसफुल हो गया। तो एक तो आपका कंट्रोल नंबर आ जाएगा, एग्जाम फॉर्म लॉग इन करोगे ऊपर एक कंट्रोल नंबर आ जाएगा, उस पर क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लो। और दूसरा बात, एक्नॉलेजमेंट स्लिप पेमेंट करने के इमीडिएट बाद भी आ जाती है। और इसके अलावा जब आप पेमेंट कर दो तो 72 आवर्स का एटलीस्ट वेट करो, अगर 72 आवर्स तक कोई आपका प्रोसेस नहीं होता, आगे नहीं बढ़ता, तो यू हैव टू मेक पेमेंट अगेन, यू हैव टू फिल द एग्ज़ाम फॉर्म अगेन, और अगर पहले वाली पेमेंट रिफंड नहीं आती तो उसके रिफंड के लिए आप लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारे इशू हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी जून 2024 में एग्ज़ाम्स दिए हैं, किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है, पेंडिंग में
या किसी सब्जेक्ट के रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया, तो क्या उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरना ठीक है या नहीं? अकॉर्डिंग टू मी जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अभी आप उस सब्जेक्ट का फॉर्म नहीं भरो, अभी आप अपना नॉर्मल जिस सब्जेक्ट का भरना उसी का भर दो, बाद में अगर मान लेते हैं उस सब्जेक्ट में आप पास नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते, तो एक सप्लीमेंट्री फॉर्म उस सब्जेक्ट का भी भर देना, उसके लिए रीजनल सेंटर जाना पड़ता है, ये बात बोल रहे थे। लेकिन इग्नू की साइट पर कुछ और ही चीज़ लिखी है, इग्नू की साइट पर ये चीज़ लिखी है कि अगर एग्ज़ाम फॉर्म के लास्ट डेट तक भी आपका प्रीवियस सेशन का रिजल्ट नहीं आता तो उस सब्जेक्ट का भी फॉर्म भर दो, और अगर एग्ज़ाम से पहले पहले उसका रिजल्ट आ जाता है तो उसका एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। ये इग्नू की साइट पर बातें लिखी हुई हैं, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आज की इस वीडियो में यहीं तक की क्वेरीज हम रिजोल्व करने आए थे। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज बचती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सिर्फ उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा जो वीडियो में हमने डिस्कस नहीं करा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।